ये कॉस्ट में तो हम लोग आज ओवरहेड करेंगे। ओवरहेड 15 मार्क्स का चैप्टर है, 15 मार्क्स का चैप्टर है ये, और इसमें 3 क्लास लगेगा अप्रॉक्स। मतलब आज कौन सा थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे पे कम्प्लीट हो जाएगा, फिर मंडे स्टार्ट होगा मशीन आवर रेट, फिर उसके बाद काउंटर कॉस्टिंग, उसके बाद कॉस्ट वापस से स्टार्ट होगा, फिर से स्टार्ट होगा मटेरियल चैप्टर से। तो कॉस्ट में भी 3 चैप्टर बचा हुआ है, ओवरहेड, मशीन आवर रेट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, फिर उसके बाद मैटेरियल होगा वापस से, लेबर होगा वापस से, ठीक है, और बाकी जितने भी चैप्टर सब वापस से होगा। तो देखिए ओवरहेड, स्टार्ट कर रहे हैं। मैटेरियल पहले हुआ था जब लाइव क्लास में हुआ था ग्रीस पार्क में, जब सेंटर सेंटर में हुआ था, सबसे पहला चैप्टर मैटेरियल हुआ था, सबसे पहला चैप्टर, ठीक है, सबसे पहले चैप्टर मैटेरियल हुआ था, फिर लेबर हुआ था, उसके बाद फिर आपका कॉस्ट हुआ था। तो पहले मैटेरियल लेबर हो चुका है, वापस से नंबर आएगा, अगले वीक आपका मशीन आवर हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आ जाएगा, फिर उसके अगले वीक मैटेरियल मैटेरियल चैप्टर का नंबर आ जाएगा। लेबर के पहले वाला मटेरियल आप जब ज्वाइन किए होंगे ना, उसके पहले हो चुका होगा, ठीक है। देखिए सब चैप्टर अलग अलग है, कोई चैप्टर का किसी से रिलेशन नहीं है, समझ में। तो स्टार्ट करें, तो ओवर देखिए क्या होता है, ध्यान दीजिए, इससे लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 15 मार्क्स का, इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 15 मार्क्स में, ठीक है, देखिए। हाँ तो ठीक है, वापस से हो जाएगा मैटेरियल, लेबर के बाद ओवरहेड के बाद मशीन ओवरहेड, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, उसके बाद मैटेरियल, उसके बाद लेबर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, देखिए और आप लोगों के पास 11 o'clock का डेली, अभी कल परसों ऑल डे है, जिस दिन ऑफर है आप लोग बता देंगे, और 9:30 पे है थर्ड सेमेस्टर का बैच, तो कल होगा हाई परचेज ट्रेडिंग मेथड, न्यू मेथड है, कल 2 क्लास का है वो, तो शनिवार तक खत्म हो जाएगा। देखिए कॉस्ट में ओवरहेड, तो डायरेक्ट मेटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस सब मिला के क्या होता है, प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मेटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस सब मिला के क्या होता है, प्राइम कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए इनडायरेक्ट मेटेरियल, तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये सब मिला के क्या होता है, ओवरहेड, समझ गए। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मिला के क्या होता है, प्राइम कॉस्ट, और इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, ओवरहेड। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्राइम कॉस्ट में आते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, कौन सा डिपार्टमेंट का बताइए, एक होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और एक होता है सर्विस डिपार्टमेंट। तो ये सर्विस डिपार्टमेंट का एक्सपेंस होगा ना,
और सर्विस डिपार्टमेंट का जितना भी एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मेटेरियल, डायरेक्ट लेबर, सर्विस डिपार्टमेंट का, वो सब ओवरहेड में आएगा, प्राइम कॉस्ट में नहीं आएगा। वो सर्विस डिपार्टमेंट जो सर्विस देता है, जैसे कैंटीन है मान लीजिए, या मान लीजिए स्टोर स्टोर मैनेजेंस है, ठीक है, तो ये सब जो डिपार्टमेंट होता है जो सर्विसेज देते हैं, तो उसमें अगर कुछ मेटेरियल उसमें कोई मेटेरियल यूज होता है, उसमें लेबर यूज होता है, उसमें एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो सब प्राइम कॉस्ट में नहीं आएगा, वो सब किसमें आएगा, सब ओवरहेड में, समझ गए। तो ये सब जो है ना, डायरेक्ट मेटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ये आएगा ओवरहेड में, डायरेक्ट मेटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ओवरहेड में नहीं आएगा, सर्विस का आएगा सिर्फ, ठीक है। डायरेक्ट मेटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का प्राइम कॉस्ट में जाता है, तो वो ओवरहेड में नहीं आता है, जो प्राइम कॉस्ट में जाएगा वो ओवरहेड में नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, ओवर रेट अगर बोलेगा पर लेबर आवर निकालने के लिए, तो डिवाइड किससे करेगा, लेबर आवर से, समझ गए। आपको क्वेश्चन में ओवर रेट निकालने बोलेगा, क्या बोलेगा क्वेश्चन में, ओवर रेट निकालने के लिए, तो पर लेबर आवर बोलेगा, डिवाइड किससे करेगा, लेबर आवर से, पर मशीन आवर बोलेगा किससे डिवाइड करेगा, मशीन आवर से, पर प्रोडक्शन आवर बोलेगा किससे डिवाइड करेगा, प्रोडक्शन आवर से, और जिस बेसिस बोलेगा उससे डिवाइड करेगा। अगर ओवर रेट बोलेगा लेबर आवर पर निकालना है तो लेबर आवर से डिवाइड करेंगे, अगर ओवर रेट मशीन आवर पर निकालने बोलेगा तो मशीन आवर से डिवाइड करेंगे, अगर ओवर रेट प्रोडक्शन आवर से बोलेगा तो डिवाइड किससे करेंगे, हम लोग प्रोडक्शन आवर से डिवाइड करेंगे, समझ गया था। कोई डाउट यहां तक बोले हैं, तो ओवर हेड अगर लेबर आवर से डिवाइड करने बोले लेबर आवर से करेंगे, मशीन आवर से बोलेगा तो मशीन आवर से करेंगे, प्रोडक्शन आवर से बोलेगा तो प्रोडक्शन आवर से करेंगे, ठीक है यहां तक बोले, कोई डाउट यहां तक। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद जैसे आपके पास बहुत सारे डिपार्टमेंट है, आपके पास बहुत सारे डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट है, तो आपको अलग अलग ओवरहेड निकालना है डिपार्टमेंट का। जैसे पांच डिपार्टमेंट आपके पास, तो पांचों का एक्सपेंसेस अलग अलग निकालना है आपको, ठीक है। तो अपोर्शनमेंट ऑफ कॉमन एक्सपेंसेस, अपोर्शनमेंट मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है आपको, अपोर्शनमेंट ऑफ कॉमन एक्सपेंसेस, अपोर्शनमेंट मतलब जो आपके पास जैसे रेंट है, मान लीजिए आपका पांच डिपार्टमेंट है और रेंट आपको पांचों का एक साथ दिया हुआ है, ठीक है, रेंट अगर पांचों का एक साथ दिया हुआ है आपको, तो रेंट को अलग अलग करेंगे हम लोग, तो हो गया सबका। डायरेक्ट मेटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का सब किसमें आता है, प्राइम कॉस्ट में आता है, और इनडायरेक्ट मेटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस किसमें आता है, ओवरहेड में आता है, और जितना डायरेक्ट एक्सपेंसेस है सर्विस डिपार्टमेंट का सब किसमें आएगा, ओवरहेड में आएगा,
और ओवर हेड रेट अगर बोलेगा पर लेबर आवर डिवाइड किसे करेंगे, लेबर आवर से, पर मशीन आवर बोलेगा किसे करेंगे, मशीन आवर से, पर प्रोडक्शन आवर बोलेगा किसे करेंगे, प्रोडक्शन आवर से। ठीक है सर, बोलिए कोई डाउट इसमें। इसके बाद देखिए अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉमन एक्सपेंसेस। अब बहुत सारा कॉमन एक्सपेंस है आपका, तो जो कॉमन एक्सपेंस है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे वो पढ़ना है आपको। जो कॉमन एक्सपेंस है उसको हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो आपको समझना है अब। ठीक है, तो देखिए कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉमन एक्सपेंसेस, कॉस्ट तो बेसिस याद रखिएगा, कौन सा किस बेसिस पे होगा, कौन सा किस बेसिस पे होगा। जैसे रेंट है, तो रेंट किस पे होगा बताइए, एरिया, तो रेंट किस पे होगा बताइए, एरिया या फ्लोर स्पेस लिखा रहेगा या एरिया दिया रहेगा क्वेश्चन में। जैसे आप जैसे रेंट पेमेंट करते हैं, अब रेंट आप पेमेंट करते हैं लैंडलॉर्ड को, वो आप पूरा एक साथ पेमेंट कर रहे हैं। अब आपका पांच डिपार्टमेंट है तो पांचों का रेंट कितना अलग अलग निकालना है आपको, तो पांचों का एरिया किस बेसिस पे होगा, तो रेंट किस बेसिस पे होगा बोलिए, एरिया बेसिस पे। ठीक है, उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिसिटी किस पे होगा, इलेक्ट्रिसिटी किस पे होगा, देखिए इलेक्ट्रिसिटी किस पे होगा, लाइट पॉइंट, इलेक्ट्रिक लाइट पॉइंट या इलेक्ट्रिक पॉइंट लिखा रहेगा क्वेश्चन में। और अगर लाइट पॉइंट नहीं दिया रहेगा तब एरिया बेसिस पे होगा, अगर लाइट पॉइंट नहीं दिया रहेगा फर्स्ट किस को लेंगे हम लोग, लाइट पॉइंट अगर दिया रहेगा लाइट पॉइंट पे लेंगे, अगर लाइट पॉइंट नहीं दिया रहेगा इलेक्ट्रिक पॉइंट नहीं दिया रहेगा तब एरिया बेसिस पे होगा। ऐसे मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको लाइट पॉइंट दिया रहता है, मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको लाइन पॉइंट, लाइट पॉइंट दिया रहता है। अगर लाइट पॉइंट नहीं दिया रहेगा तब हम लोग किस पे करेंगे, एरिया बेसिस पे। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, नेक्स्ट लिखिए डेप्रिसिएशन है, रिपेयर्स है, इंश्योरेंस है, तो ये किस पे होगा, देखिए वैल्यू एसेट्स, ठीक है। फर्स्ट जैसे बिल्डिंग है, मान लीजिए बिल्डिंग का डेफिनेशन निकालना आपको, तो वैल्यू बिल्डिंग पे आएगा, अगर वैल्यू बिल्डिंग नहीं दिया रहेगा तब एरिया बेसिस पे आएगा। ठीक है, एरिया अगर जैसे डेप्रेशन आपको दिया हुआ है, रिपेयर है, इंश्योरेंस है, तो फर्स्ट बेसिस क्या होगा, वैल्यू बेसिस या कॉस्ट बेसिस, अगर नहीं दिया रहेगा तो सेकंड किस पे होगा, एरिया, अगर ये नहीं दिया रहेगा तो एरिया बेसिस पे होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में लाइट पॉइंट अगर नहीं दिया रहेगा तब किस पे होगा, एरिया बेसिस पे होगा। ये डेफिनेशन बिल्डिंग निकालना है, डेफिनेशन ऑफ बिल्डिंग,
सेकंड ऑप्शन है ये, सेकंड ऑप्शन। अगर फर्स्ट ऑप्शन नहीं रहेगा तो सेकंड ऑप्शन ही है, समझे प्रांजल? अगर डेप्रिसन आपको दे रहा है, रिपेयर है, इंश्योरेंस है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? वैल्यू बिल्डिंग, वैल्यू एसेट। और नहीं दिया रहेगा तब एरिया बेसिस पे होगा, सेकंड ऑप्शन है वो। नेक्स्ट लिखिए, कैंटीन एक्सपेंस किस पे होगा बताइए? कैंटीन किस पे आएगा बताइए? नंबर वर्कर या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लिखा रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, तब तो कैंटीन किस पे होगा बताइए? नंबर वर्कर या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज? अगर नंबर वर्कर नहीं दिया रहेगा तो नंबर इंप्लाइज दिया रहेगा, जो भी दिया रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखिए इसके बाद। नेक्स्ट देखिए, डेड वेजेस, डेड वेजेस हो गया ब्रद। रेंट किस पे हो रही है, या फ्लोर स्पेस, इलेक्ट्रिसिटी से लाइट पॉइंट या इलेक्ट्रिक पॉइंट या एरिया? अगर लाइट पॉइंट नहीं दे रहेगा तो एरिया बेसिस पे। डेप्रिस किस पे आएगा, वैल्यू एसेट या कॉस्ट एसेट? अगर नहीं दे रहेगा तो एरिया। कैंटीन किस पे आएगा, कैंटीन नंबर वर्कर या नंबर एम्प्लॉइज? हो गया आपका अभिरूप। के बाद देखिए, इंडेड वेजेस लिखा रहेगा, लेबर वेलफेयर एक्सपेंस लिखा रहेगा, सन्डरी एक्सपेंस लिखा रहेगा, जनरल एक्सपेंस लिखा रहेगा मान लीजिए। ठीक है, इंडेड वेजेस लिखा रहेगा या लेबर वेलफेयर एक्सपेंस लिखा रहेगा, सन्डरी एक्सपेंस लिखा रहेगा, जनरल एक्सपेंस लिखा रहेगा, ठीक है, इंप्लाइज स्टेट इंश्योरेंस लिखा रहेगा। ये सब किस पे होगा भैया? डेड वेजेस पे या डेड लेबर लिखा रहेगा, तो इन डेड वेजेस, लेबर वेलफेयर एक्सपेंस, सन्डरी एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, इम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस, ये सब किस पे होगा सर? डेड लेबर पे या डेड वेजेस लिखा रहेगा या डेड लेबर लिखा रहेगा, जो भी लिखा रहेगा। ठीक है, तब बोलिए डाउट इसमें। नेक्स्ट लिखिए, इंडिया मेटेरियल लिखा रहेगा,
ये स्ट्रोस कंज्यूम नहीं करेगा, ये सब इस पे होगा, डायरेक्ट वेजेस पे, डायरेक्ट मटेरियल पे, समझ गए? ये डायरेक्ट मटेरियल लिखा रहेगा, ये स्ट्रोस कंज्यूम लिखा रहेगा, मान लीजिए ये सब किस पे होगा बताइए, डायरेक्ट मटेरियल के ऊपर। ठीक है, बोले कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट देखिए इसके बाद, पावर किस पे देखिए, पावर पावर किस पे का देखिए, हॉर्स पर मशीन, पावर किस पे का देखिए, हॉर्स पर मशीन, हॉर्स पावर ऑफ मशीन इंटू मशीन ऑफ वर्क, हॉर्स पावर ऑफ मशीन इंटू पावर किस पर डिपेंड करता है, मशीन का कैपेसिटी, हॉर्स पावर क्या है, मशीन का कैपेसिटी है, पावर क्या बताइए, हॉर्स पावर ऑफ मशीन मतलब मशीन का कैपेसिटी है, इंटू क्या होगा, मशीन ऑफ वर्क, इंटू मशीन ऑफ वर्क, और अगर मशीन वर्क नहीं दिया रहेगा तो, अगर मशीन वर्क नहीं दिया रहेगा तो हॉर्स पावर मशीन पे आएगा, अगर मशीन वर्क नहीं दिया रहेगा तो किस पे आएगा, हॉर्स पावर मशीन के ऊपर आएगा। ठीक है, तक इसके बाद देखिए, मेंटेनेंस मशीन किस पे आएगा, मशीन ऑफ वर्क, और मशीन ऑफ वर्क नहीं दिया रहेगा तो कॉस्ट मशीन पे आएगा, मेंटेनेंस किस पे आएगा बताइए, मशीन ऑफ वर्क, अगर मशीन ऑफ वर्क नहीं दिया रहेगा तब किस पे आएगा, फिर कॉस्ट ऑफ मशीन। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नंबर टू नहीं है, पेज नंबर 27, क्वेश्चन नंबर टू देखिए, क्वेश्चन टू पढ़िए, पढ़िए, एमआरके लिमिटेड है, थ्री प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, X1, X2, X3, तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और दो सर्विस डिपार्टमेंट, ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिए, इंपॉर्टेंट मार्क करिए इसको, टू नंबर को, इस सम को करने से बहुत सारा सम कवर हो जाएगा आपका, सब सम लगभग इसमें कंसेप्ट सबका एक जैसा ही है। ठीक है, फॉर्मेट दो समझना आपको, तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, X1, X2, X3 और दो सर्विस डिपार्टमेंट है, तो रेंट किस पे आएगा बताइए, बोलिए रेंट किस पे आएगा, नीचे दिया हुआ बेसिस देखिए पढ़िए,
है, नंबर इम्प्लॉइज है, इंडेड विजेज है, हॉर्स पर मशीन है, वैल्यू मशीन है, प्रोडक्शन आवर है, तो फ्लोर एरिया। तो रेशियो कितना हो जाएगा फ्लोर एरिया का बताइए, फ्लोर एरिया का रेशियो निकालिए, रेशियो निकालिए फ्लोर एरिया का। 2000 है ना, तो सबको 500 डिवाइड करिए, सबको क्या करिए 500 से, तो 4:2 कितना हो जाएगा 5, फिर 2 क्या हो जाएगा देखिए 6, कॉमन फैक्टर क्या है 500 है, तो छोटा कर लीजिए उसको, 4:5:6:4, पांचों में होगा 1:1, 5 डिपार्टमेंट, पांचों में करना पड़ेगा आपको, 4:6 तक क्या रुक गए आप, अनुरूप पांचों में करना है, तो रेंट किस होगा बताइए, 4 एरिया, रेशियो कितना हो जाएगा 4:5:6:4:1, तो रेंट का अमाउंट कितना है टोटल, देखिए ध्यान से दीजिए, वापस बोल रहे हैं, तो रेंट किस बेसिस पे होगा बताइए पहले, रेंट किस बेसिस पे होगा ये बताइए पहले, रेंट का बेसिस क्या होगा पहले बताइए, आपके पास एक्सपेंस है रेंट, पहला एक्सपेंस क्या है रेंट है, तो किस बेसिस पे होगा रेंट बताइए, एरिया बेसिस पे होगा, अब एरिया आपको कितना कितना दिया, देखिए 2000 है पहला, पहला कितना बताइए 2000, फ्लोर एरिया ना 2000 पहला, फिर सेकेंड कितना है 2500, फिर कितना है उसके बाद 3000 है, फिर कितना उसके बाद 2000 है, फिर कितना उसके बाद 500 है, तो ये रेशियो में होगा। अब इसको चाहे तो इतना बड़ा लिखना, इतना बड़ा लिखना, इतना बड़ा लिख सकते हैं आप, 2000:2500:30:20:500, इस तरह से लिख सकते हैं, और छोटा करना चाहे तो छोटा कर सकते हैं इसको आप, 20:25 लिख सकते हैं आप चाहे तो, 30 छोटा कर लीजिए इसको, 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 30:25 आप चाहे तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, 2 0 कॉमन है सब में, 20:25:30:25 इस तरह से भी लिख सकते हैं, और छोटा कर सकते हैं इसको, 5 से डिवाइड करेंगे तो 4, और छोटा करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, तो लोएस्ट में, तो आप चाहे तो, आप चाहे तो 20:25:30:20:5 भी लिख सकते हैं, या चाहे तो 4:5:6:4:1 लिख सकते हैं, और छोटा हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, समझ में, रेशियो कैसे निकालना है बोलिए, इप्सिता समझ में आया आपको, प्रांजल समझ में आया आपको, कैसे रेशियो निकालना है बोलिए, प्रांजल समझ में आया आपको। अब इसके बाद बताइए पावर, उसके बाद देखिए डेप्रिशिएशन किस पे आएगा बताइए, डेप्रिशिएशन किस पे आएगा, डेप्रिशिएशन बोलिए, किस बेसिस पे आएगा डेप्रिशिएशन बोलिए, नीचे देखिए कौन सा बेसिस है, फ्लोर एरिया, लाइट पॉइंट, नंबर एम्प्लॉइज, वेजेस, हॉर्स पावर, वैल्यू मशीन, प्रोडक्शन आवर, किस पे आएगा बताइए, अभी आपको लिखा था डेप्रिशिएशन किस पे आएगा बोलिए, वैल्यू मशीन, किस पे आएगा, वैल्यू ऑफ मशीन, ठीक है। अब इसका रेशियो निकाल लीजिए वैसे ही, तो वैल्यू ऑफ मशीन कितना है 5000 से सब डिवाइड हो जाएगा, देखिए कॉमन फैक्टर क्या है 5000, कॉमन फैक्टर क्या है, तो 5000 से डिवाइड कर दीजिए तो 12 आएगा पहला, फिर कितना आएगा 16 आएगा, फिर कितना आएगा 20 आएगा, फिर कितना आएगा 1 आएगा, फिर कितना आएगा 1 आएगा, समझ गए, 12:16:20:1:1, और कॉमन फैक्टर क्या 5000 से सब डिवाइड हो रहा है, देखिए कॉमन फैक्टर क्या 5000, तो उससे सब डिवाइड हो रहा है, नहीं तो आप वैसे भी कर सकते हैं 60:80:100:5:5, वैसे भी कर सकते हैं चाहे तो, लोएस्ट में लिखेंगे तो 5000 से सब डिवाइड कर दीजिए तो 12:16:20:1:1, समझे रेशियो कैसा है बताइए, वैल्यू मशीन का, ठीक है बोलो, वैल्यू मशीन 60,000, 80,000, 1,00,000, 5,000, 5,000, तो इसको आप छोटा कर सकते हैं 60:80:100:5,5, ऐसे लिख सकते हैं चाहे तो,
अब चाहे तो ऐसे भी ले सकते हैं, 60 3 0 कॉमन है, 60:80 100 5 5 ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो 3 0 हटा दीजिए बस, या 1 या 12:16 5 12:16:20:1:1 समझ में, रेशियो निकालना, बोलिए सबको। मानसी, सिका, इप्सिता, प्रांजल, रक्षा, समझ आया देखो। इसके बाद भी लाइटिंग किस पे आएगा बताइए, लाइटिंग किस पे आएगा? नंबर लाइट पॉइंट, और इसका भी रेशियो निकाल लीजिए वैसे ही, तो रेशियो वैसे निकालिए। तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट। हाँ देखिए फॉर्मेट देखिए, वैसे होगा फॉर्मेट देखिए, फॉर्मेट लिखिए। पहला पार्ट क्या है, कंपटीशन ऑफ ओवरहेड रेट पर प्रोडक्शन आवर, कॉलम क्या क्या देखिए, कॉस्ट, बेसिस, टोटल, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कौन कौन सा बताइए, X1 X2 X3, और सर्विस कौन सा है, S1 और S2। समझ गए फॉर्मेट, एक कॉलम बनेगा कॉस्ट का, बेसिस का, टोटल का, उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कौन कौन सा है, X1 है X2 है X3 है, और सर्विस कौन सा है, S1 और S2 है। ठीक है यहां तक बोलिए, कॉस्ट बेसिस टोटल का कॉलम बनेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट X1 X2 X3, और सर्विस कौन सा है, S1 और S2। ठीक है, अब कॉलम में आइए, तो सबसे पहले रैंक किस पे आएगा बताइए, रेंट का अमाउंट कितना है, 5,000, और एरिया का रेशियो निकाल दें अभी आप, 4:5:6:4:1। अब डिस्ट्रीब्यूट करने आता है इसको रेशियो में, 5,000 है टोटल, कितना है, 4 और 5 9, 9 और 5 9 और 6 15 डिवाइड बाय 15 और 4 19 और 1 20 से डिवाइड करिए, 5,000 को 5,000 डिवाइड 20 करिए पहले, कितना आ रहा बताइए, 5,000 है ना, और टोटल डिवाइड बाय कितना करिए, 20, कितना है बताइए, 5,000 बाय 20 करिए पहले, पांचों को ऐड करिए, 4 और 5 कितना हो गया, 9 और 6 कितना हो गया, 15 और 4 19 और 1 20, 250 आ गया। अब 250 से फिर मल्टीप्लाई करिए, 250 into 4, 250 into 4 1000 एंड सो ऑन, इस तरह से हर एक को 250 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ कितना है, 1,000 1,250 1,500 1,000 250, समझ गए रेंट कैसे आएगा, 1,000 1,250 1,000 250। एंड की बात क्या देखिए, नेक्स्ट
डेपर किस पे बताइए, वैल्यू मशीन कितना अमाउंट 10,000 और इसका रेशो कितना आएगा देखिए, 5,000 डिवाइड करिए, 5,000 से डिवाइड करिए 60 by 5 कितना होगा 12:16 अब 5 मिला दी कितना 12 और 16 48 डिवाइड करिए 10,000 डिवाइड कितना करिए 50 करिए कितना आ रहा है बताइए, 10,000 by 50 करिए कितना आ रहा है, पांचों को मिला के कितना आ रहा है 50 आ रहा है, तो 50 से डिवाइड करिए 10,000 by 50 कितना आ रहा है बोलिए 200 अब 200 से मल्टीप्लाई करिए 200 × 12 2400 एंड सो ऑन, अब 200 से सबको मल्टीप्लाई करिए 5 से डिवाइड करिए 5 से डिवाइड हो जाएगा 3:3:4 2:3:4:1 अब टोटल कितना है लाइटिंग अमाउंट 600 ठीक है डिस्ट्रीब्यूट करिए इसको 2 और 3 कितना हो गया 5 और 4 9 और 3 12 तो 600 / 12 करिए पहले 50 आ रहा है अब 50 से मल्टीप्लाई करिए सबको 100 150 200 150 समझ गया था? उसके बाद कह रही है पावर पावर किस पे बताइए हॉर्स पावर मशीन पावर किस पे बताइए हॉर्स पावर मशीन और पावर का अमाउंट कितना है रेशियो कितना आएगा हॉर्स पावर मशीन का 6:3:5:1 ये 4 में आएगा 6:3:5:1 और पावर का अमाउंट कितना है 1500 तो डिवाइड पे कितना हो जाएगा 5 को ऐड करिए 4 को ऐड करिए 6:3:9:15 से डिवाइड करिए 1500 है पावर डिवाइड बाय कितना करिए 15 तो कितना आ रहा है 100 आ रहा है फिर 100 से सबको मल्टीप्लाई करिए उसके बाद 100 से सबको मल्टीप्लाई करिए 100 × 6 फिर पावर की बात करेंगे नेक्स्ट कैंटीन अब कैंटीन किस पर बताइए फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितना कैंटीन का अमाउंट नंबर एम्प्लॉइज कितना है
फाइव से गाड़ी करो, 5:4:2:1:1। और कैंटीन का अमाउंट कितना देखिए, 650। अब डिवाइड करिए, पांचों मिला के कितना आ रहा है, 5, 4, 9, 11, 13। तो कितना आ रहा है बताइए, 650 / 13 कितना आ रहा है बताइए, 50 आ रहा है। और 50 से मल्टीप्लाई करिए 5 को, एक कैंटीन की बात क्या बताइए, सन्ड्री एक्सपेंस किस पे आएगा बताइए, सन्ड्री एक्सपेंस किस पे आएगा बोले, सन्ड्री एक्सपेंस किस पे आएगा, डाइट वेजेस, और डाइट वेजेस रेशो कितना है, 5:4:6:3:1। और कितना संडे एक्सपेंस का अमाउंट बताइए, 10,000। डिवाइड करिए 6 और 4 कितना होगा, 10, 16 और 3, 19, 20 डिवाइड करिए, 10,000 / 20, 10,000 डिवाइड बाय 20 करिए कितना आ रहा है, संडे एक्सपेंस का अमाउंट कितना, 10,000, ठीक है, और डिवाइड बाय कितना करिए, 20, 500 × 6, 3,000, 4,000, 3,000, 2,000, 3,000 डिवाइड कर दीजिए, 3,000 आगे पहला, 5 × 6, फिर 2,000, फिर 3,000, फिर 1,500, फिर 500, हो गया संडे एक्सपेंस। इस संडे एक्सपेंस की बात क्या है, देखिए नीचे में कौन कौन सा आएगा, ऊपर का हो गया, नीचे में फ्लोर स्पेस है वो नहीं आएगा, लाइट पॉइंट है, नंबर एम्प्लॉयज है, इनडायरेक्ट वेजेस दिया है, देखिए अलग से दिया ना पांचों का, इंडायरेक्ट वेजेज आएगा सब में आएगा, इंडायरेक्ट वेजेज याद हो गया सबको बताइए, पहले सन्ड्री एक्सपेंस इसके बाद देखिए इंडायरेक्ट वेजेज, सबका मिला कितना रहा है, टोटल कितना रहा है, 250 है, और कितना उसके बाद, 250 है और 500 है और 100 है और 250 है और 150 है, पांचों मिला के आ रहा है 1,250। तो टोटल कॉलम में कितना आएगा, 1,250, टोटल कॉलम में कितना आएगा, 1,2, और बेसिस भी क्या लिखेगा, एक्चुअल, ये गिवन, ठीक है, एक्चुअल अमाउंट आएगा, तो टोटल कॉलम में कितना आएगा, 1,2, और अलग अलग करिए तो कितना कितना आएगा, 250 है पहला, 500 है, 100 है, 250 है, 150 है,
डेड लेवल में डेड वेजिट भी आएगा, लेकिन वो किस में आएगा सर? सर्विस में आएगा, वो किस में आएगा सर? प्रोडक्शन में नहीं आएगा। डेड वेज किस में आएगा सर? सर्विस में आएगा। कितना है देखिए, S1 में कितना है 1500, और S2 में कितना है 500, तो 30,000 टोटल। डेड वेज टोटल कलर में कितना है 2000। प्रोडक्शन का नहीं आएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो डेड वेजेज है वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो डेड वेजेज है वो कहाँ आता है? प्राइम कॉस्ट में। और अभी आप क्या निकाल रहे हैं? ओवरहेड। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का डेड वेजेज नहीं आएगा, सिर्फ सर्विस का आएगा। कितना कितना है बताइए? सबको ऐड करिए। इसके बाद डायट वेजेस आपको हम क्या बताते हैं? फर्स्ट लाइन बताइए, शुरू में नहीं बताते कि डायट वेजेस, डायट वेजेस किस में आता है? प्राइम कॉस्ट में आता है। डायट किस में आता है? प्राइम कॉस्ट में। तो जो डायट वेजेस है ऑफ, जो डायट वेजेस है ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट विल बी इंक्लूडेड इन ओवरहेड। समझे? सर्विस डिपार्टमेंट का आएगा सिर्फ, S1 और S2 का आएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नहीं आएगा। प्रोडक्शन आवर वर्क बाद में काम आएगा वो रेट, प्रोडक्शन आवर वर्क जो है वो लेबर आवर रेट निकालने में काम आएगा, ओवर रेट निकालने में काम आएगा। अभी कोई काम नहीं है उसका। प्रोडक्शन आवर को एक्सपेंस है पहले बताइए, तो प्राइम कॉस्ट में क्यों आएगा? प्रोडक्शन आवर को एक्सपेंस नहीं है, वो प्राइम कॉस्ट में क्यों आएगा? वो तो आवर्स वर्क है, वो अमाउंट है कोई। ठीक है अगर, तो डायरेक्ट वेजेस खाली किस में आएगा सिर्फ? S1 और S2 में आएगा, X1 X2 X3 में नहीं आएगा। यहाँ तो हो गया, और कोई एक्सपेंस देख लीजिए इसके अलावा, और कोई एक्सपेंस है कि सब हो गया? देख लीजिए, और कोई एक्सपेंस है? हॉर्स पर मशीन, वैल्यू मशीन, कोई एक्सपेंस नहीं है और इसके अलावा। सबको ऐड करिए, सबको क्या करिए? पहले ऐड करिए, तो ऐड करने के बाद क्या लिखिए? सबको ऐड करने के बाद क्या आएगा बताइए? ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। सबको ऐड करने के बाद क्या आएगा? ओवरहेड एज पर प्राइमरी, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। कितना कितना आ रहा बताइए? सबको ऐड करिए। टोटल कॉलम में कितना आ रहा बताइए? पहले टोटल कॉलम में कितना आ रहा? 5000 प्लस 10000 प्लस 600 प्लस 1500 प्लस 650 प्लस 10000 प्लस 1250 प्लस 2000। सबको ऐड करने के बाद टोटल कॉलम में आ रहा है 31000। तो वैसे ही X1 का करिए, X2 का करिए, X3 का करिए, पांचों का करिए। टोटल कॉलम में 31000। अब X1 निकालिए, वैसे ही 1000 प्लस 2400 प्लस 100 प्लस 600 प्लस 250 प्लस 3000 प्लस 250, 7600। अब X2 का निकालिए, यहां से 1250 प्लस 3200 प्लस 150 प्लस 300 प्लस 200 प्लस 2000 प्लस 250 प्लस 2000। सब ऐड करिए, कितना देखें? 1250 प्लस 3200 प्लस 100 है ना, प्लस 150 है, प्लस 300 है, प्लस 200 है, प्लस 2000 है, प्लस 500 है। सब ऐड करके कितना बताइए? ओवरहेड जो डायट वेजेस है,
जो डायट वेजिटेबल सिर्फ सर्विस का आएगा, किसका आएगा सिर्फ यहाँ पे, सर्विस का आएगा सिर्फ, ठीक है, इसी का प्राइम प्राइम कॉस्ट का जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री का यहाँ पे नहीं आएगा, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री का नहीं आएगा, वो कहाँ चला गया भाई, प्राइम कॉस्ट में चला गया, वो कहाँ चला गया प्राइम कॉस्ट में, तो वो यहाँ नहीं आएगा, हम लोग क्या निकाल रहे हैं ओवरहेड निकाल रहे हैं हम लोग, सिर्फ सर्विस का आएगा यहाँ पे, ठीक है। एक्स टू का कितना आएगा बताइए, एक्स टू का कितना आएगा, 7600 आएगा, और एक्स थ्री का निकालिए, पानी का बोतल दो, सबको ऐड करिए, एग्रीगेट करिए सबको ऐड करिए, टोटल कॉलम में कितना था पहले, यहाँ कितना 5000 है, देखिए 5000 और 10 कितना हो गया 15000 और 600, 5600 प्लस 1500 प्लस 650 प्लस 10000, सबका टोटल करिए, सबका टोटल समझ गए, प्लस 1250 प्लस 2000, सबको मिला के कितना आ रहा, 31000 नहीं आ रहा सबको मिला के, एक्स वन का 9100 नहीं आएगा पवन सिंह, 7600 आएगा एक्स वन का, चेक करिए अच्छे से, 1000 है प्लस कितना है फिर 2400 प्लस कितना है 100 है प्लस कितना है 600 है प्लस कितना है 250 है प्लस कितना है 3000 है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ है 9400 एस एस वन का कितना है 4700 और एस टू का कितना है बताइए 1700, यहाँ तो ठीक है सबको। अब इसके बाद क्या करिए, प्राइमरी हो गया सबका, प्राइमरी कितना है देखिए 76 टोटल कॉलम में कितना 31000 कितना 7600 है, 7600 है, 9400 है, 4700 है, 1700 है, ठीक है यहाँ पर। अब उसके बाद लिखिए रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट, कितना ओवरहेड होता है, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट में कितना ओवरहेड है देखिए, तो एक है एस वन में कितना बताइए, इसका रेशियो आपको दिया क्वेश्चन में, देखिए नीचे दिया है ना 2:2:1, रिडिस्ट्रीब्यूशन करिए, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड रिडिस्ट्रीब्यूशन करिए, रिडिस्ट्रीब्यूशन करिए ऑफ ओवरहेड ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट का ऑवरेड को डिस्ट्रीब्यूट करिए, दस दिया है ना क्वेश्चन में, तो एस वन का कितना है देखिए 4700 अमाउंट है, और एस वन का अमाउंट कितना देखिए 4700, और इसका रेशियो दिया क्वेश्चन में 2:2:1, तो 2:2:1 से 5 से ऐड करिए पहले, 4700 डिवाइड 5 करिए कितना आ रहा है बताइए, डिवाइड 5 करिए कितना आ रहा है बताइए, 4700 डिवाइड 5 940 आ रहा है, अब 940 इंटू 2 करिए एक बार, टोटल कॉलम में कुछ मत लिखिएगा, जब रिडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ना, जब आप रिडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो टोटल कॉलम में कुछ मत लिखिएगा, टोटल का फर्क नहीं पड़ेगा, 1880 1880 940 और एस वन से माइनस हो जाएगा, तो 18 एक्स वन में कितना आएगा देखिए, फर्स्ट में आएगा 1880, सेकंड में कितना आएगा 1880, थर्ड में कितना आएगा 940, और एस वन से माइनस हो जाएगा
और एस टू में नहीं दिया हुआ है, एस टू में आ रहा है बोलिए, एस टू में नहीं आ रहा है, फिर एस टू का करिए, एस टू में कितना ऑवर हेड देखिए, वन सेवन डबल जीरो, और इसका रेशियो कितना है, टू टू वन टू, एस टू में कितना अमाउंट बताइए, वन सेवन, एस टू में कितना अमाउंट देखिए, वन सेवन डबल जीरो, और इसका रेशियो कितना है, टू टू वन टू, तो वन सेवन डबल जीरो डिवाइड फाइव करिए पहले, डिवाइड फाइव कितना आ रहा बताइए, थ्री फोर्टी आ रहा है, अब मल्टीप्लाई करिए टू से, सबको ऐड करिए तो क्या आएगा, फिर टोटल करिए तो 31,000 रहेगा यहाँ पे टोटल कॉलम में, और यहाँ कितना 7600 था पहले से, और 1880 ऐड करिए और 688 करिए, तो ये क्या हो गया ओवरहेड एज पर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ऐड करने के बाद क्या आएगा ओवरहेड एज पर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कितना बता रहा बताइए, ऐड करिए तो फर्स्ट में कितना आ रहा है, फर्स्ट वाले में इसको लेके साथ में 7000 प्लस 1880 प्लस 980 680 तीनों मिला के, तीनों ऐड करके बताइए कितना आ रहा है, 7600 प्लस 1880 प्लस 680 10160 सेकंड वाला कितना आ रहा है, 7600 प्लस 1880 प्लस 340 कितना आ रहा है सेकंड वाला बताइए, नाइन एट टू जीरो, और थर्ड वाला कितना आ रहा है बताइए, 9400 प्लस 940 प्लस 680 11000 अब इसको हम लोग प्रोडक्शन आवर से डिवाइड करेंगे, प्रोडक्शन आवर कितना दिया देखिए, प्रोडक्शन आवर से डिवाइड करिए, प्रोडक्शन आवर कितना है, टोटल कॉलम में कुछ मत लिखिएगा, 2000 है, 2500 है, 3000 है, टोटल नहीं करना आपको, तो 5.08 इसके बाद 9820 डिवाइड बाय 2500 कितना आ रहा बताइए, 3.83 दो डेसिमी में 3.93 लास्ट वाला कितना आ रहा बताइए, यहाँ 3.93 होगा ना, और लास्ट वाला 3.67
1 1 0 2 0 डिवाइड 3000 3.67 ये के फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट भी है, इसमें एक और पार्ट है, यहाँ तो हो गया सबका, देख लीजिए। तो रेट आ गया 5.08, 3.93, 3.67, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट वाई जेड। सबको हो गया। तो नेक्स्ट पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था आपका, सेकंड पार्ट में ये देखिए, डायरेक्ट मटेरियल कितना पड़ी है, डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है 5000, और डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है 2000, 20000। डायरेक्ट मेटेरियल कितना होगा 5000, डायरेक्ट लेबर कितना होगा 20000, और चार्जिंग एक्सपेंस कितना है 1000। तो सब मिला के क्या हो गया, प्राइम कॉस्ट कितना है, प्राइम कॉस्ट बताइए 26000, डायरेक्ट मेटेरियल 5000, डायरेक्ट लेबर 20000, और चार्जिंग एक्सपेंसेस कितना है 1000। तो सब मिला के क्या आ गया, प्राइम कॉस्ट 26000, ठीक है। फिर ऐड करिए, देखिए रॉयल्टी 2000 है, और उसके बाद एक्स्ट्रा में कितना आवर है, 5 आवर है, और इसका पर आवर कितना आया था रेट, और रेट कितना था 5.08 पर आवर आया था, और 1 आवर का कितना था 5 आवर का कितना हो जाएगा 25 पॉइंट, मल्टीप्लाई करिए 5 आवर इंटू एक्स्ट्रा में कितना आवर काम हो रहा है 5 आवर, एक्स्ट्रा में कितना आवर काम हो रहा है 4 आवर, और एक्स्ट्रा में कितना आवर काम हो रहा है 3 आवर। तो 1 आवर का कितना एक्स्ट्रा में 5.08 इंटू 5 करिए, और एक्स टू में कितना था देखिए, एक्स टू में 4 आवर इंटू कितना करिए 3.93, 4 × 3.93 कितना आ रहा है 4 × 3.93
और एक्स थ्री में कितना आ रहा है देखिए, 3 आवर इंटू 3.67 11.01, चारों मिला के कितना आएगा 2000 प्लस 25.40 प्लस 4.72 प्लस 11.01, चारों मिला के कितना आ रहा है, चारों ऐड करके 2000 प्लस 25.40 प्लस 15.72 प्लस 11.01, चारों ऐड करके कितना आ रहा है बताइए, चारों मिला के कितना आ रहा है, ट्रू कॉस्ट कितना आ रहा है 2805.2.13, समझ गए। नेक्स्ट देखिए, अब कुछ क्वेश्चन हम कल रीड करेंगे, डिस्कस करेंगे, कल आप लोग सॉल्व करके आइएगा, सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कौन सा किस बेसिस पे आएगा, ठीक है। तो फॉर्मेट सब क्वेश्चन का एक जैसा ही है, वन नंबर सम देखिए, तो रेंट किस पे आएगा बताइए, या तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट नहीं है यहाँ पे, बस खाली प्राइमरी करना है आपको, सिर्फ क्या करना है आपको, वन नंबर एकदम सिंपल क्वेश्चन है, पास कोर्स लेवल का है, सिर्फ प्राइमरी करना है, रेंट किस पे आएगा बताइए, फुल एरिया, और इनडायरेक्ट वेजेस किस पे आएगा, डायरेक्ट वेजेस और इलेक्ट्रिक चार्जेस, लाइट पॉइंट, मेंटेनेंस ऑफ मशीन, मशीन आवर, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, डेड वेजेस, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ प्लांट, कैंटीन एक्सपेंसेस, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर है आपके पास सर है, तो बन जाएगा नंबर सर, देख लीजिए, डाउट लग रहा है आपको, सिर्फ प्राइमरी करना है आपको बस, रेंट किस पे आएगा बताइए, इनडायरेक्ट वेजेस किस पे आएगा, डायरेक्ट वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जिंग किस पे आएगा, लाइट पॉइंट, मैंडल मशीन, मशीन आवर रन, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, डेड वेजेस, फैक्ट्री वेजेस, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ प्लांट और कैंटीन, नंबर ऑफ वर्कर, डाउट ऑफ नंबर में बोलिए, खाली किस बेसिस पे आएगा वो आपको समझना है बस, बोला वन नंबर को डाउट है एकदम, पास कोर्स लेवल का समय आप लोग से बन जाएगा आराम से, सिर्फ प्राइमरी करना है इसमें, सेकेंडरी नहीं करना है, सर्विस नहीं है, बोलिए डाउट है वन नंबर में, यस और नो, इनडायरेक्ट वेज, डायरेक्ट वेज किस पे आएगा, इसी का सीन, इनडायरेक्ट वेज किस पे आएगा, डायरेक्ट वेजेस पे, फैक्ट्री वेजेस पे, ठीक है, बोलिए आया सुन, इसी का डायरेक्ट वेजेस किस पे आएगा, फैक्ट्री वेजेस के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट रीड करिए क्वेश्चन नंबर 3, ये फास्ट क्वेश्चन लेवल का सामने, ये भी आपको अपने आप करना है, इसमें डिस्कस कर रहे हैं, पावर किस पे आएगा बताइए, पावर, हॉर्स पावर मशीन, लाइटिंग किस पे आएगा, लाइट पॉइंट, लाइट पॉइंट है आपके पास, रिपेयर ऑफ प्लांट किस पे आएगा, कॉस्ट ऑफ प्लांट, रेंट किस पे आएगा, एरिया, डेप्रिसिएशन किस पे आएगा, कॉस्ट ऑफ प्लांट, और सुपरविजन किस पे आएगा, सुपरविजन, सुपरविजन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पे आता है, लेकिन नंबर एम्प्लॉयज नहीं है यहाँ पे, डेड वेजेस पे आएगा, सुपरविजन किस पे आएगा, डेड वेजेस, ठीक है।
सुपरविजन किस पर बताइए। रिपोर्ट प्लान किस पर होगा, कॉस्ट प्लान पे। अच्छा कॉस्ट प्लान पे, कॉस्ट प्लान। और रिपेयर में किसका आएगा, कॉस्ट प्लांट बन जाएगा बोले। एनी डाउट, नेक्स्ट पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4। इनडायरेक्ट वेजेस पे आएगा, इनडायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस पे। इनडायरेक्ट वेजेस पे आएगा, डायरेक्ट वेजेस पे। और रेट किस पे आएगा, एरिया। पावर किस पे आएगा, हॉर्स पर मशीन। कैंटीन किस पे आएगा, नंबर वर्कर। लाइटिंग किस पे आएगा, लाइट पॉइंट। और डेप्रेशन 12% है, तो डेप्रेशन कितना आएगा बताइए। एक मंथ का निकालना आपको, एक मंथ का दिया हुआ यहां पे। तो डेप्रेशन किस पे आएगा बताइए, वैल्यू ऑफ एसेट। इनटू 12% इंटू 1/12। ये सीधा ऐसे बोल सकते हैं, हाँ फेक का वैसे आएगा, ए का भी वैसे ही, बी का भी वैसे ही, सी का भी वैसे ही, या ऐसे बोल सकते डायरेक्ट 12% का 1/12 कितना बताइए। वैल्यू ऑफ एसेट्स इंटू कितना कर दिया, 1%। समझ गए, 12% का 1/12 कितना हो गया, 1% हो गया, 12 कैंसिल हो गया। तो फर्स्ट वाले में कितना आएगा, ए में आएगा 500 आएगा, ए में कितना आएगा 500 आएगा, बी में कितना आएगा 600 आएगा, सी में कितना आएगा फिर 600 आएगा, और डी में कितना आएगा 300 आएगा। समझ गए कैसे आएगा, 1% 12% था इंटू 1/12, 1% आएगा, फिर प्राइमरी निकल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद सेकेंडरी कैसे करेंगे हम लोग, तो रेशियो दिया हुआ है 40-30, 40-40-20। तो एस का जितना ओवरहेड आएगा उसको क्या करिएगा, फिर एबीसी में डिस्ट्रीब्यूट करिएगा, किस रेशियो में, 40-40-40। उसके बाद लेबर आवर्स, टोटल ओवरहेड आ जाएगा उसको लेबर आवर से डिवाइड करिए। लेबर आवर कैसे आएगा बताइए, लेबर आवर दिया हुआ नहीं क्वेश्चन में, तो लेबर आवर कैसे आएगा बताइए, एक मंथ का बताइए। पहले ओवरहेड निकालेंगे, प्रोडक्शन प्राइमरी निकल जाएगा पहले, फिर उसको सर्विस डिपार्टमेंट को क्या करिएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, सेकेंडरी आ जाएगा। उसके बाद जैसे लास्ट क्वेश्चन ने प्रोडक्शन आवर दिया हुआ था, लास्ट क्वेश्चन ने प्रोडक्शन आवर दिया हुआ था, इसने प्रोडक्शन आवर नहीं दिया हुआ है इसमें, तो 25 डेज है, 25 डेज इंटू 8 आवर पर डे, इंटू नंबर वर्कर, नंबर वर्कर से मल्टीप्लाई नहीं होगा, समझ गए। तो लेबर आवर कितना है 25 × 8, और वर्कर कितना है फर्स्ट वाले में, ए में कितना 20 वर्कर है, तो 25 × 8 200 × 20 4000 आएगा फर्स्ट में, क्लियर। 25 × 8 × 25 5000 आएगा, और 6000 आएगा, बस 3 का निकालना है आपको, एस का नहीं निकालना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का निकालना है। 25 × 8 × 20 25 × 8 × 25 25 × 8 × 30 ये हो गया लेबर आवर,
लेबर आवर से डिवाइड कर दीजिएगा तो लेबर आवर ही निकल जाएगा, उसके बाद सेकंड पार्ट कर लीजिएगा वैसे ही, तो होमवर्क रहेगा ये भी। लेबर आवर कैसे आएगा, लेबर आवर 25 डेज है इंटू 8 आवर है और इंटू नंबर वर्कर, नंबर वर्कर कितना बताइए, फर्स्ट वाले में 20 वर्कर है, ए में कितना वर्कर है 20 वर्कर है, तो इंटू 20 हो जाएगा 25 इंटू 8 इंटू 20। बी में कितना वर्कर है 25 वर्कर है, तो 25 इंटू 8 इंटू 25। और सी में कितना वर्कर है 30 वर्कर है, तो 25 इंटू 8 इंटू 30। इस तरह से हो जाएगा, वर्कर से मल्टीप्लाई हो जाएगा नंबर वर्कर से, उसके बाद लेबर आवर आ जाएगा लास्ट में, फिर लेबर आवर से डिवाइड होगा तो लेबर आवर रेट निकल जाएगा, जो भी आपको ओवरहेड आएगा उसको लेबर आवर से डिवाइड करेंगे। जैसे टू नंबर सम में प्रोडक्शन आवर दिया हुआ था, इसमें लेबर आवर नहीं दिया हुआ है। लाइटिंग किस पे आएगा, लाइट पॉइंट पे आएगा, ठीक है, लाइटिंग किस पे आएगा, लाइट पॉइंट पे। तो मेन लेबर आवर निकाला, लेबर आवर समझ में कैसे आएगा, लेबर आवर 4,000, 5,000, 6,000, नंबर वर्कर कितना देगी 20, 25, 30। तो ए में कितना डेज, कितना 25 डेज, 8 आवर पर डे, इंटू कितना आ जाएगा 20 वर्कर। और बी में 25 डेज इंटू 8 आवर पर डे इंटू 25 वर्कर, सी में 25 डेज इंटू 8 आवर पर डे इंटू 30 वर्कर। आया समझ में आपको इप्सिता सिंह, इप्सिता समझ में आपको। बोलिए कोई डाउट इसमें, नेक्स्ट रीड करिए क्वेश्चन 5। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, पास कोर्स लेवल क्वेश्चन है। डेप्रिसिएशन किस पे आएगा बताइए, वैल्यू एसेट, सिर्फ बेसिस समझ लीजिए। डेप्रिसिएशन किस पे आएगा, वैल्यू एसेट। रेंट किस पे आएगा, फ्लोर स्पेस। इलेक्ट्रिसिटी किस पे आएगा, लाइट पॉइंट। संडे किस पे आएगा, डायरेक्ट वेजेस। कैंटीन किस पे आएगा, नंबर वर्क, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। इंश्योरेंस किस पे आएगा, वैल्यू ऑफ एसेट। पावर किस पे आएगा, हॉर्स पावर मशीन। उसका प्राइमरी आ जाएगा, उसके बाद सेकेंडरी 3:2:1। कोई डाउट लग रहा है इसमें, बोलिए बोलिए, फाइव में कोई डाउट लग रहा है आपको। डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ एसेट, रेंट किस पे आएगा, फ्लोर स्पेस। इलेक्ट्रिसिटी, लाइट पॉइंट। सन्ड्री, डायरेक्ट वेजेस, कैंटीन, नंबर वर्कर, इंश्योरेंस, वैल्यू एसेट, पावर, हाउस पावर मशीन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रीड करिए क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक्स और वाई, और दो सर्विस डिपार्टमेंट, ए और बी। ए सर्विस दे रहा है बी को, वो सेकेंडरी में काम आएगा, और बी सर्विस दे रहा है एक्स और वाई को, सेकेंडरी में काम आएगा। तो सेकेंडरी बाद में करिएगा, पहले बताइए कौन सा किस बेसिस पे होगा। डेप्रिसिएशन किस पे होगा बताइए, डेप्रिसिएशन किस पे आएगा, डेप्रिसिएशन किस पे आएगा बताइए, एसेट वैल्यू एसेट। रेंट किस पे आएगा, फ्लोर स्पेस। इंश्योरेंस किस पे आएगा, वैल्यू एसेट। पावर किस पे आएगा, हॉर्स पावर मशीन। कैंटीन किस पे आएगा, नंबर वर्कर। इलेक्ट्रिसिटी किस पे आएगा, लाइट पॉइंट। बोलिए डाउट लग रहा है इसमें, कौन सा किस बेसिस पे है, समझे। नेक्स्ट 7 भी वैसे ही है। 8 नंबर देखिए, सब बेसिस पता देख लीजिए, 8 में भी हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा, ठीक है। तो 10 तक करके आइएगा खाली, आप 9 और 10 का और 6 का कम से प्राइमरी कर लीजिएगा। एटलीस्ट प्राइमरी कर लीजिएगा, कम से कम प्राइमरी में कोई डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है। ठीक है, सेकेंडरी में बता देंगे 9 और 10 का। तो याद रखा आपका होमवर्क रहेगा, कल क्लास कंटिन्यू रहेगा टुमारो सेम टाइम 11 o'clock। तो आज का क्लास यहाँ ऑफ होता है। मीटिंग अनाउंस हो रही,
सौरभ जी मीटिंग एंड कर रही है।